आप चाहते हैं हम घरों में वापस चले, हम नहीं जाएंगे, हम तब तक खड़े रहेंगे, आप लोगों को भी की भी अटैक्स बर्दाश्त करेंगे, मीडिया की भी जब वो तमाशा बनाएंगे ऑडियो का वो भी बर्दाश्त करेंगे, हम अपने भाई का और बुशरा बीबी समेत हम इनका खान साहब का साथ नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, मेहरबानी। पूरा हाईकोर्ट ने किया उसके बाद यूथ अपने पास जेल में अंदर लेके जा रहे हैं और इसको फ्री एंड फेयर तो नहीं कह सकते। तो नोटिफिकेशन अभी तक क्यों जारी नहीं हुई गई थी, 3-4 दिन गुजर गए हैं, ये कहीं डिले करने के टेंडर्स तो नहीं है? देखिए हम तो 4 महीने से कोर्ट्स के चक्कर लगा रहे हैं और हमें तो ये हम एक एक दिन करके ले रहे हैं। आपको पता है ना, एक दिन हम खान साहब के पास जब मिलने गए तो उन्होंने कहा, उन्होंने वैसी बात करने में बताया कि नैब की इन्वेस्टिगेशन टीम आई थी, कहते 10 मिनट उन्होंने सलाम दुआ में गुजारे और 10 मिनट को 2-3 सवाल पूछ के वो चले गए, उन्होंने ऐसी मेंशन किया। लेकिन अगले दिन हम अखबार में पढ़ रहे हैं, उन्होंने कहा जी 4 घंटे की एग्रेसिव वो उनकी तहकीकात हुई खान साहब की, वो एरोगेंट थे, 4 घंटे की कहानी बना के, इसका मतलब जेल के अंदर जब इन्वेस्टिगेशन वाले भी जाते हैं बाहर इतनी बड़ी बड़ी जो मर्जी कहानी आके बाहर डाल दें, इसका ये मसला आप लोगों की गैर मौजूदगी का कोर्ट में सिर्फ ये है कि जो कहानी ये बाहर निकालना चाहे, आप हमारी बात तो मानेंगे नहीं जब तक आप खुद कोर्ट में मौजूद नहीं होंगे, तो ये बाहर आके जो मर्जी कहानी बना देंगे आपके लिए, आप हमारी बात तो नहीं मानेंगे। मैम अब पीटीआई कारकुनान के लिए इमरान खान के हवाले से क्या मैसेज है, आप उनको ये मैसेज देती हैं कि जब ये हेयरिंग शुरू हो जाती है और ये प्रोसीडिंग होती है तो आप उनको मधु करती हैं, दावत देती हैं कि सब लोग आए और वहाँ पे मौजूद रहे? हमारे यहाँ लॉयर्स भी साथ जाते हैं, कारकुनों को मुझे तो नहीं पता, मेरा काम तो नहीं है वो करना, क्योंकि बारी बारी आप जरा मिक्स कर रहे हैं पार्टी को, पहले भी तमाशा बड़े दिन बनाया, अल्लाह का शुक्र है इमरान खान ने गौहर अली को अपॉइंट कर दिया ताकि ये तमाशा तो ख़त्म हो, जो आप फैमिली को घसीटते हैं, खुदा ना खास अगर आप जेल में जाएं, हाँ तो आपकी फैमिली आपके साथ नहीं खड़ी होगी, अगर आप लोग आप कौन खड़ा होगा जब आपको मसला होगा, आपका अपना फैमिली खड़ी होती है साथ, आप फैमिली जब अपने भाई का साथ देने हम निकले हैं तो हमारा तमाशा तो ना बनाए ना, हम घरों से सिर्फ इस काम के लिए निकले अपने भाई का साथ दे दें। लेकिन जितनी मीडिया की अग्रेसिवनेस हमें फेस करनी पड़ रही है, ये कितना अफसोस की बात है, आप लोगों से हम ये उम्मीद नहीं रखेंगे कि आप जैसे अपनी फैमिलीज का अपनी खवातीन का घर में लिहाज करते हैं, इतना हमारा ख्याल कर लें कि हम कितने परेशान हैं अपने भाई के लिए और हमारी फैमिली के अंदर आप उसका एक लिहाज रखें, आपसे इस पे तो इत्तेफाक कर लेना, मीडिया से मेरी ये रिक्वेस्ट है। आपको नाम है ना? मैं बस के प्रेम सारा खराब कर रहे हैं, माइक कर इधर आ जाएगा, उधर आ जी शुरू करें। स्टार्ट करें जी, शुरू करें, शुरू करें जी, बिस्मिल्लाह। चलो थैंक यू वेरी मच। अच्छा नहीं ऊंची नहीं। अच्छा मुख्तसर हालात आज की कार्रवाई के ये हैं कि 9 बजे तमाम वकला हजरात कोर्ट में मौजूद थे, मगर कोर्ट ने 10:30 बजे तक एक गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन का इंतजार करने के बाद मेजर एक्ट को कंसल्ट किए बगैर, जिसमें प्रोसीजर करना था, मगर नोटिफिकेशन का इंतजार करके उन्होंने कल की डेट कर दिया, बस इतना आज की सिर्फ इतने हालात हैं। थैंक यू वेरी मच। ओ इसको पकड़िए। अदालत के पास बहुत इख्तियार है, मगर नौबत तो कहीं और तक जा रही थी कि शायद कहीं अदालत को वहां ना जाना पड़ जाता, क्योंकि नोटिफिकेशन तो 10:30-11 बजे आया।
जी अभी तक तो जो पिछली तारीख का ऑर्डर था वही मेंटेन रहेगा, उसमें पब्लिक हेयरिंग की ही बात है, मगर जो आज नोटिफिकेशन आया उसमें एज सच कोई डिस्क्लोजर नहीं है कि ये पब्लिक हेयरिंग में होने जा रहा है कि नहीं। सॉरी, पब्लिक हेयरिंग ही होगी, पब्लिक हेयरिंग जब हाई कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है तो हाउ अ गवर्नमेंट कैन स्टॉप दिस, या उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर लें जाकर अगर पब्लिक हेयरिंग नहीं चाहते तो। आपने एक पॉइंट उठाया था कि वहाँ पे जो रिस्ट्रिक्शन है वहाँ पे मोबाइल्स का मीडिया के हवाले से और दीगर, ये आपका रोल है, ये आपको प्ले करना होगा कि आपको इजाजत मिलती है कि कैमरा और मोबाइल ले जाने की कि नहीं, ये आपका रोल है, ये हमारे डोमेन में नहीं है ना, हम इस पर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।